कई फिल्मों में काम करने वाले ऋषि कपूर के बारे में कहा जाता है कि वे गर्म मिजाज के हैं। इतना ही नहीं, शराब के नशे में वे वाइफ नीतू सिंह से कई बार बदसलूकी तक कर चुके हैं। इस बात का खुलासा नीतू खुद इंटरव्यू में कर चुकी हैं। नीतू ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जिस भरे पूरे परिवार की वे बहू है, उनमें सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो उन्हें उनके पति की बदसलूकी से बचाता था। वो और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा रणबीर कपूर है। नीतू सिंह ने इंटरव्यू में बताया था, कपूर खानदान का एक कायदा रहा है कि कोई किसी की भी लाइफ में दखल नहीं देता। इंटरव्यू में नीतू ने बताया, मैंने समझ लिया था कि मेरे बेटे के अलावा और कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। उन्होंने बताया था, हालांकि उन्हें बुरा लगता था कि वे एक बेटे को उसके पिता के खिलाफ खड़ा कर रही है, जबकि ऋषि एक बेहद अच्छे पिता है। इंटरव्यू में नीतू ने बताया, चिंटू शराब पीने के बाद अपना आपा खो देते थे और जो भी चीज नजर के सामने आती थी उसे तोड़ देते थे। साथ ही मेरे साथ बदसलूकी भी करते थे। रणबीर मेरे साथ हो रही बदसलूकी को देखता था और पिता को उनकी गलतियां बताता था, लेकिन चिंटू कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं होते थे। रात की बात वे सब बह तक भूल जाते थे।